एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमें दो ग्रुप्स लेने हैं, ठीक है। एक होगा कंट्रोल ग्रुप, एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक हुआ भाई, ये एक होगा कंट्रोल ग्रुप, एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जिसमें हम एक्सपेरिमेंट अप्लाई करेंगे, जिसमें हम चेंजेस लाएंगे, जिसको हम नोट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप वो होगा जिसे हम कोई चेंजेस नहीं देंगे, लेकिन ये कंपैरिजन के लिए होगा। मैं अब आपको सिनेरियो देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ये रिसर्च, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाहते हैं कि ज़्यादा रोशनी में अच्छी लिखाई होती है या कम रोशनी में अच्छी लिखाई होती है। ये आपका हुआ रिसर्च टॉपिक, ठीक है। अब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे करेंगे? दो क्लासेस आप लेंगे, एक क्लास ये हुई, एक क्लास वो हुई। वो क्लास आपका जो है कंट्रोल ग्रुप हुआ, ये क्लास आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हुआ। उस वो जो कंट्रोल ग्रुप की क्लास है उसमें आप कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, ठीक है। एक मीडियम में जो है नॉर्मल लाइटनिंग लगा लें और वो लाइटनिंग बिल्कुल चेंज ना करें, उनको कहें कि आप लिखाई करें, ठीक है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें मैं कभी रोशनी ज़्यादा करूँगा और फिर राइटिंग को देखूँगा कि अच्छी है कि ख़राब है, फिर रोशनी कम करूँगा और लाइट लिखाई को देखूँगा कि अच्छी है कि नहीं। तो ज़्यादा रोशनी में अच्छी लिखाई होती है या कम रोशनी में अच्छी लिखाई होती है वो रीडिंग मेरे साथ नोट हो जाएगी, फिर वो मैं कंपेयर करूँगा उनके साथ, कंट्रोल ग्रुप के साथ, कि जहाँ पे मैंने चेंजेस नहीं लाई थी उनके साथ कंपेयर करूँगा। तो कंट्रोल ग्रुप होगी कंपैरिजन के लिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया, वहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं लाई, वहाँ पे सिर्फ मैंने कंपेयर करवा लिया, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा मेरे ख्याल में प्रॉबेबली कि अच्छी रोशनी में अच्छी लिखाई होती है, ठीक है। और ये पता हमें कैसे लगा? हमने जब रोशनी ज़्यादा की तो लिखाई अच्छी हो गई, तो पता चला कि ज़्यादा रोशनी में अच्छी लिखाई होती है। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। ये तो मैंने आपको बहुत एक सिंपल और बेसिक एग्जांपल दे दिया ना। ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस जब साइकोलॉजी में होते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जो है वो रिसर्च बताता हूँ। इस रिसर्च का नाम है द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। क्या है? द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ये अल्बर्ट बेंड्यूरा एक नोबेल प्राइज़ विनर है, आज तक जिंदा है, नोबेल प्राइज़ विनर अल्बर्ट बेंड्यूरा, वो एक साइकोलॉजिस्ट है। उसने ये रिसर्च की कि हम लर्निंग थ्रू इमिटेशन करते हैं, जिस चीज़ को हम देखते हैं उसको कॉपी करते हैं, हमारा बिहेवियर ऐसे बनता है, ठीक है ना। अगर आप छोटे बच्चों को देखें, अगर वो फिल्म में एक्शन फिल्म देखें तो फिर वो बाहर निकल के जो है तलवारें बना लेते हैं और गन्स जो हैं वो उठा लेते हैं और एक दूसरे को शूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्शन की मूवी देखी होती है, ठीक है ना। तो अल्बर्ट बेंड्यूरा का या ये हाइपोथेसिस थी उसकी कि लर्निंग थ्रू इमिटेशन होती है, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, इमिटेशन कॉपी करने को कहते हैं। तो हम देखते हैं और कॉपी करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन उसने कैसे की? उसने ऐसे की कि दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स उसने लिए, दो ग्रुप्स लिए। यहाँ पे एक वीडियो चलाई गई, यहाँ पे भी वीडियो चलाई गई इस ग्रुप को, उस ग्रुप को भी एक वीडियो चलाई गई, ठीक है ना। बच्चे थे 10-20 बच्चे जो थे, छोटे बच्चे, वो इन्फेंट्स थे या उसे कह सकते हैं कि टॉडलर्स थे, वो बैठे हुए थे। तो वीडियो में, एक वीडियो में ये थी कि एक पंचिंग बैग पड़ा हुआ था और बहुत सारे बच्चे आए और उस पंचिंग बैग को उन्होंने हग किया, ठीक है ना। इस क्लास को जो वीडियो चल रही थी वो वीडियो ऐसी थी कि स्टूडेंट्स आए और पंचिंग बैग को हग किया। दूसरे क्लास में जो वीडियो चल रही थी इसी किस्म की वीडियो थी, पंचिंग बैग था, लेकिन स्टूडेंट्स आए और पंचिंग बैग को पंच किया, किक किया, पंच किया। तो दोनों क्लासेस को डिफरेंट वीडियोस चल रहे हैं। एक किस्म के क्लास को दिखा रहे हैं कि पंचिंग बैग को हग किया जा रहा है, दूसरे क्लास को दिखा रहे हैं वीडियो में कि पंचिंग बैग को पंच किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, एक तीसरे क्लास में वैसा ही पंचिंग बैग पड़ा हुआ था और दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स को या बच्चों को जो था वो उस क्लास में ले गए। तो जिन बच्चों ने पंचिंग वाली वीडियो देखी थी वो गए और पंचिंग बैग को पंचिंग की और किकिंग की, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने हगिंग वाली वीडियो देखी थी वो बच्चे गए और पंचिंग बैग को उन्होंने हग किया,
ठीक है ना। तो क्या प्रूफ हुआ, अल्बर्ट वेंटुरा ने ये प्रूफ किया कि हम लर्निंग इमिटेशन से करते हैं। शाहरुख खान की, सलमान खान की और ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड और पाकिस्तानी एक्टर्स के नए स्टाइल जो आते हैं तो हर इंसान जो है वही स्टाइल बनाने की कोशिश करता है ताकि मैं अच्छा लगूं, कॉपी करते हैं ना, इमिटेट करते हैं। गजनी की जो फिल्म आई थी यहाँ पे लकीर खींची हुई थी, आपने बहुत सारे लोग जो है इधर उधर सड़कों पर देखे होंगे कि उन्होंने भी वैसी लकीर बनाई हुई थी। तो क्या है, हाँ तेरे नाम का जो था वो बहुत फेमस था स्टाइल जो था। तो हम इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, ऐसी हमारी लर्निंग होती है। ये क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एक एग्जांपल हुई। ऐसे 100 एग्जांपल और हैं, ठीक है, और ऐसे होती है। लेकिन हमारे इलाके में अनफॉर्चुनेटली सर्वे रिसर्च जो है वो ज़्यादा कंडक्ट होता है, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि ये ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं मांगता, ज़्यादा फाइनेंशियल फंडिंग की ज़रूरत इसे नहीं होती। सर्वे रिसर्च में आपको क्वेश्चनर की ज़रूरत होती है, क्वेश्चनर, हाँ, और हाँ वो फिर सैम्पलिंग की एक अलग टॉपिक है कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं, एरिया को कैसे सेलेक्ट करते हैं, फिर पॉपुलेशन को, फिर सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो सैम्पलिंग का टॉपिक है। लेकिन ये हमारे पास हुए मेथड्स ऑफ रिसर्च, ठीक है ना। और कौन सा रिसर्च मेथड जो है वो मैंने मिस कर लिया, बुक जो है वो बुक में फिर ढूंढते हैं, काफ़ी है टाइम, क्या है भाई, टाइम ख़त्म है, नहीं मैं सिर्फ देख रहा हूँ ना, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, अच्छा केस स्टडी कोरिलेशनल रिसर्च जी, जेवर शेवर से नहीं जाए, जाए जाए आप जाए, ठीक है। दो किस्म के, अच्छा अभी जो बाकी है वो है कोरिलेशनल रिसर्च एंड कोरिलेशनल रिसर्च जो है वो भी बाकी है और केस स्टडी। कोरिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च वो होती है जिसमें हम दो चीजों को, दो चीजों का इफेक्ट एक दूसरे पे वो मालूम करते हैं, ठीक है ना, कि दो वेरिएबल्स का इफेक्ट एक दूसरे पे मालूम करते हैं। ये अगर चीज़ ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा होगी या कम, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्लास में म्यूज़िक लगाऊं, कोरिलेशन, अगर मैं क्लास में म्यूज़िक लगाऊं तो बच्चे ज़्यादा स्टडी करेंगे, या म्यूज़िक न लगाऊं तो बच्चे ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो म्यूज़िक ज़्यादा होने से स्टडी ज़्यादा होती है, म्यूज़िक कम होने से स्टडी कम होती है, ऐसा अगर रिजल्ट आया तो दो चीज़ों के बारे में हमने रिलेशन बनाया। को कहते हैं को, सी ओ को, को कोऑपरेशन से निकला है कि दो चीज़ों के बारे कोलाबोरेशन, ठीक है ना, यकजहती। तो दो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप वो कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन होती है और पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। पॉजिटिव कोरिलेशन वो होती है अगर एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ती है तो वो होती है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम होती है तो वो होती है नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ इसकी एक एग्जांपल ये होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी काम करने की वजह से किसी इंसान को पैसे दूँ तो वो काम ज़्यादा करेगा, जितने ज़्यादा पैसे दूंगा उतना वो काम ज़्यादा करेगा। तो क्या हुई पॉजिटिव कोरिलेशन पैसे की और काम की, मनी एंड वेल्थ, मनी एंड वर्क इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड, आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, मनी एंड वर्क आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ये हमारी रिसर्च की रिजल्ट आई। कैसे रिजल्ट का पता कैसे चला, ज़्यादा मनी दी ज़्यादा काम हुआ, ठीक है। अब नेगेटिव कोरिलेशन कैसे होगी, मैं अगर इंसान को पनिशमेंट दूंगा तो वो काम कम करेगा, ठीक है ना। तो जितनी पनिशमेंट ज़्यादा होगी उतना काम कम होगा तो वो होगी नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है ना। सो पनिशमेंट एंड वर्क आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, ये हमारे पास हुई कोरिलेशनल रिसर्च। ये कोरिलेशनल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल में भी हो सकती है, सर्वे में भी हो सकती है, नेचुरलिस्टिक में भी हो सकती है, आर्काइवल में भी हो सकती है। ये कैसे होता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लाइट जो थी वो ज़्यादा हुई तो काम लिखाई भी अच्छी हुई, तो पॉजिटिव कोरिलेशन बना कि नहीं बना, तो ये कोरिलेशनल रिसर्च आप कह सकते हैं, ठीक है।